बोरीवली खेल महोत्सव के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की होगी कुश्ती। बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और विधायक सुनील राणे के द्वारा आयोजित बोरीवली खेल महोत्सव के अंतिम दिन कुश्ती का महामुकाबला संपन्न होगा। विधायक सुनील राणे के साथ भारतीय पहलवान नरसिंह यादव कुश्ती मुकाबले के सफल आयोजन के लिए पूरे देश के पहलवानों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को इस मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। बोरीवली की पहली बार परम्परागत कुश्ती के अखाड़े का निर्माण किया गया है, साथ ही गांव की थीम पर पंडाल और चारपाइयों की व्यवस्था की गई है। बोरीवली खेल महोत्सव में बॉक्सिंग, टेकांडो, जूडो, कराटे, किंग बॉक्सिंग, तलवारबाजी, वुशू, मल्लखाम, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, रंगीन मैराथन, स्केटिंग, साइकिल मैराथन, ट्रायल थलॉन, आचारी राइफल शूटिंग, रस्सी कूद, बॉडी बिल्डिंग और बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। इस खेल उत्सव में विभिन्न श्रेणियों के खेलों को 8,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ने मैंने तो दिन रात, यानी नरसिंह यादव तो कुश्ती के पहलवान है, हम तो कुश्ती के अखाड़े के बाहर के पहलवान है, लेकिन हमने ये अखाड़ा बनाते समय मेरी जो सोच थी, क्योंकि स्वर्गीय दारा सिंह जब मैं वर्ली के इलाके में चुनाव लड़ता था, मेरे पिताजी वहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, तो कुश्ती का जो दंगल है वो मैं 1990 से वहाँ पर करता था। तो हमारे डिलाइल रोड में, लोअर परेल में, करी रोड में ये कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, गडिंग्लज, इचलकरंजी, यहाँ से बहुत सारे पहलवान, युवा पहलवान वहाँ पर आते थे। तो ये बिल्कुल मैदान हमने नरसिंह यादव जी की कल्पना जो थी वैसे के वैसे बनाया है, और इसके लिए मिट्टी से तो हमारा नाता सभी का है, और हम चाहे राजनीति में काम करें लेकिन समाज जीवन में काम करते समय ये मिट्टी ही हमें याद दिलाती है। इसके लिए समाज के साथ रहते हुए इस मिट्टी की सौगंध जो हम खाते हैं भारतीय लोग, इसके लिए मिट्टी के साथ जुड़ना, मिट्टी के लिए मर मिटना और देश को आगे बढ़ाना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। मुझे लगता है नरसिंह यादव हमारे साथ है और इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान नहीं होता, और विदेश में जाके अपने देश के लिए तिरंगा हाथ में लेते हुए नरसिंह यादव का वो फोटो हम सब ने देखा था, इसके लिए आज के कुश्ती के इस मैदान में हम आपका स्वागत करते हैं। नरसिंह सर, आप क्या बताना चाहेंगे, जिस तरीके से मट्टी और मैट दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? बिल्कुल, जैसे कि कुश्ती का अखाड़ा होता है, एक पहलवान की शुरुआत मिट्टी के अखाड़े से होती है, बाद में वो इंटरनेशनल जाके मैट पे खेलता है। इसी तरह हमारे लोकप्रिय आमदार सुनील राणे जी से मैं कई बार मिला, इनसे कहा कि कुश्ती का अखाड़ा बनाइए, क्योंकि पूरे मुंबई में कुश्ती के अखाड़े विलुप्त होते जा रहे हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कुश्ती खेलने के लिए। बच्चों में बहुत टैलेंट है, अगर कुछ बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा तो बच्चे यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। और सर ने मुझे पहली बार ही कहा था कि मैं बनाऊंगा और बहुत अच्छा बनाऊंगा, और लगातार जब ये बोरीवली महोत्सव 2023 चल रहा है, सर ने इसमें 23 गेम लिया और करीबन 7 से 8 हज़ार बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, एक बहुत बड़ी बात है। इतने बच्चों को गेम करने का मौका मिला, और एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, अगर उन्हें जब हम गेम ही नहीं दिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। और इतने बच्चों ने इस बोरीवली में आके यहाँ पे गेम खेला और सीखा। आज सर ने एक जो कुश्ती अखाड़ा यहाँ बनाया है, आप लोग देख रहे हो कि एक बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, ऐसा इन्होंने किया, ऐसा पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी कुश्ती अखाड़ा आपको इस तरह का नहीं मिलेगा और इतना सुसज्जित नहीं मिलेगा। सर ने दिन रात एक करके इस कुश्ती के अखाड़े को बनाया है, और मैं तहे दिल से पहलवान होने के नाते सभी खिलाड़ियों की तरफ से सर का धन्यवाद करता हूँ कि पहलवानों के बारे में सर ने इतना विचार किया। आज अब जो लाल मिट्टी देख रहे हैं, किसी भी दंगल में जाएंगे उसमें आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, इतनी अच्छी यहाँ पे सर ने मिट्टी लाई है। तो सर ने हर एक एक चीज़ का बहुत बारीकियों से ध्यान रखा है। सर ने मैट की भी कुश्ती कराई यहाँ पे बच्चों को, जो यहाँ बोरीवली के जो जनता है उनको मैट की भी कुश्ती देखने को मिली। अब मैट में और मिट्टी में कुश्ती कैसी होती है मुझे नहीं लगता बोरीवली में कभी आज तक हुई थी। सर ने वो भी लोगों को, यहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश की, और एक बहुत बड़ा सर ने एक योगदान दिया है, मतलब खेल के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह अगर खेलों को लोग इस तरह प्रमोट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम ओलंपिक के टैली में सबसे ऊपर भारत होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुश्ती खेल रहे हैं, यही बच्चे आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल और मेडल जीतेंगे। सर के आशीर्वाद से यहाँ कुश्ती का अखाड़ा कंटिन्यू अब चलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं यहाँ आकर यहाँ बच्चों को शिक्षा भी दूंगा और खुद भी प्रैक्टिस करूंगा, और यहाँ से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे। तो आपने काफी विधायक देखे होंगे, लेकिन जब आप सुनील जी को देखते हैं, जो उनकी सोच है हर चीज को, विकास को लेकर, बच्चों के खेल को लेकर, दंगल का जो आपने आयोजन किया, किस तरह का एक प्रोग्राम है और
किस तरह आपके मन में सोचा है कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए? बोरीवली खेल महोत्सव में हमने इस बार करीबन 23 गेम रखे थे, 23 प्रकार के खेलों का हमने समावेश किया था। और हमने ये सोचा कि इस बार मैट की कुश्ती तो होने वाली है, हमारे साथ 3 बार महाराष्ट्र के केसरी रह चुके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नरसिंह यादव आज हमारे साथ है। और इनकी एक कल्पना थी, ये लगातार मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुश्ती का मुकाबला होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको कुश्ती सीखना है और मैं सिखाना चाहता हूँ। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना बोरीवली खेल महोत्सव में मैट की कुश्ती के साथ साथ मिट्टी की कुश्ती भी हो जाए। और इसके लिए ये गांव मैंने पिछले 8 दिनों से लगातार प्रयास करके बनाया और यहाँ पर 2 अखाड़े ऐसे हैं, एक तो अखाड़ा बिल्कुल 30x30 का है जो लगता है, दूसरा 20x20 का है और तीसरा जहाँ पर मिट्टी का कुआ कहते हैं जो मिट्टी बदन में लगाने के बाद पहलवान भिड़ जाते हैं, ऐसा ये मिट्टी की कुश्ती का कार्यक्रम हमने रखा है बोरीवली खेल महोत्सव में। आज आप देख रहे हो तो ये कुश्ती का दंगल का पहला दिन है जहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आज हमने मौका दिया है। कल भारी पहलवान जो हिंद केसरी होते हैं, महाराष्ट्र केसरी होते हैं, हरियाणा केसरी होते हैं, विशेष राज्यों से केसरी किताब जिनको मिलता है वो आते हैं और सही मायने में ये गांव को, ये मैदान को हमने नाम दिया है रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह कुश्ती का मैदान। और ऐसे कुश्ती के मैदान में नरसिंह यादव के साथ हम आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बोरीवली की ये विशेषताएं हैं कि अलग अलग नई तरकीब, नई सोच, नई कल्पना और उस नई कल्पना को, नई सोच को वास्तविकता में लाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आधुनिकता के और भारत जब बढ़े तो खेलों के माध्यम से भी युवा प्रतिनिधि बढ़े, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हम बोरीवली में कर रहे हैं। और ये मैदान और ये गाँव इसकी गवाही देता है कि मेहनत करने से क्या होता है, मिट्टी भी रंग लाती है, तो गांव ने भी रंग लाया है और पहलवान हमारे पीछे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुश्ती ने तो बोरीवली खेल महोत्सव का कल होने वाला जो समारोह है जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कुश्ती की दंगल का समारोह देखने के लिए आते हैं। ऐसा मुझे लगता है पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई एक ही मैदान 2 दिन तक कंटिन्यू चल रहा है और सर ने इसमें छोटे बच्चों का इतना ध्यान रखा है कि पहले दिन छोटे बच्चे खेलेंगे, क्योंकि होता कि अक्सर ऐसा होता है कि कुश्ती दंगल में बड़ों बच्चों की कुश्ती देखने के चक्कर में लोग छोटे बच्चों को साइड में कर देते हैं, उनकी कुश्तियाँ नहीं लगती। आज यहाँ कम से कम 100 से छोटे बच्चे 100 इतने लड़े हैं जिनका वजन 30 से 40 किलो वेट रहा है, तो छोटे बच्चों ने आज अपना जोर आजमाइश किया है। और कल यहाँ पर जो भी बड़े, जो भी देश के नामी ग्रामी, जो भी पहलवान है, जैसे हम ईरान के एशिया चैंपियन एक पहलवान है वो, और पृथ्वीराज पाटिल जो महाराष्ट्र केसरी है उनकी 1 नंबर की कुश्ती होगी, और हरियाणा केसरी के पहलवान आ रहे हैं, यूपी केसरी के पहलवान आ रहे हैं, तो जो भी ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप पहलवान हैं वो सब कल यहाँ आएंगे और वो लड़ेंगे। तो पहलवान सर ने सभी को मौका दिया है, आज छोटे बच्चे, कल बड़े बच्चे, तो ये भी पूरे भारत में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है।